नमस्कार, मैं सोनाली आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम खुला आकाश में। दोस्तों, जब भी हम कोई नया घर या फिर ऑफिस लेने की सोचते हैं तो उसकी सुंदरता के साथ साथ हमारे जहन में ख्याल आता है उसके वास्तु का, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि हमारे घर का वास्तु अच्छा होगा तो हमारे घर की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अच्छी होंगी, या यदि हमारे घर का जो वास्तु है वो ख़राब होगा, यानी कि किसी तरह कोई वास्तु दोष होगा, तो हमारे जो बनते काम है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ने लगते हैं। तो इसलिए वास्तु बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है आज के समय में हर किसी के लिए। तो क्या वाकई वास्तु दोष हमारे ज़िंदगी में परेशानियां लेकर आता है? क्या वाकई यदि हम अपने घर का वास्तु ठीक कर लेंगे तो हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही अच्छे से चलेगी? ये कई सारे सवाल हैं जो आज के समय में हर किसी के जहन में आते हैं। साथ ही साथ वास्तु शास्त्र है क्या, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न वास्तु शास्त्र के बारे में, और इस विषय पर तमाम जानकारी के लिए और हर सवालों के जवाब के लिए हमने बहुत ही खास मेहमान को आमंत्रित किया है जो इसी फील्ड से हैं, इसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। हम उनसे आपकी रूबरू आपको कराएं, उनकी मुलाकात कराएं। उससे पहले आइए देखते हैं उनके जीवन और साथ ही साथ उनके कार्य से जुड़ी एक झलक। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशारद। अब वास्तु एक ऐसा शब्द है जिसमें सभी को जिज्ञासा होती है, तो आज इस दूरदर्शन के कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगी जो वास्तु से जुड़ी भ्रांतियां हैं, मिथ्याएं हैं, या कह सकते हैं लोग भ्रमित करते हैं। तो भ्रम में ना आए, वास्तु बहुत ही खूबसूरत साइंस है। जैसे आपके शरीर में प्राण का वास है, वैसे जिस घर में आप रहते हैं आप उस घर के प्राण होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है वास्तु। बिना तोड़फोड़ किए और केवल छोटे मोटे बदलाव करके भी आप अपने 16 जोन्स को, यानी ऑल 16 डायरेक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, जिससे घर में रहने वाले सभी लोगों को क्या मिलता है? अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, अच्छे करियर, अच्छे रिलेशनशिप एंड ओवरऑल हैप्पीनेस। तो जरूर जुड़िए इस कार्यक्रम में ज्यादा संख्या में, और अपने प्रश्न जरूर दूरदर्शन को भेजिए ताकि हम उस वास्तु सेशन में इस प्रश्न को ले सकें और आपकी सारी परेशानियों का समाधान कर सके। और वास्तु से जुड़े आपके जो भी सवाल, जैसे बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि मैम कहीं हमारा एंट्रेंस तो ठीक नहीं, कहीं किचन तो ठीक नहीं, बिल्कुल ये सब मायने तो रखता है, लेकिन इसे कैसे देखना है ये आज के एपिसोड में आप सीख जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा, राधे राधे। दोस्तों, रश्मि सिन्हा जी से अभी आप उन्हें देख रहे थे, कई सारी बातें वो बता रही थी, और इस वक्त रश्मि सिन्हा जी खुद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप एक अंक ज्योतिष हैं, साथ ही साथ आप वास्तु विशारद भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी आपका हमारे कार्यक्रम। थैंक यू। रश्मि जी, आप इस फील्ड में कई सालों से हैं जी, और जब वास्तु का जिक्र होता है ना तो हमारे मन में बहुत सारी बातें आने लगती है। आज के समय में हर किसी के घर में, हर किसी के जीवन में बहुत तरह की परेशानियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो या फिर आर्थिक परेशानी हो, बच्चों से संबंधित परेशानियां हो, बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसे में लोगों को लगता है कि कहीं से भी एक प्रकाश की किरण मुझे दिखे, कहीं से एक उम्मीद ऐसी दिखे जो हमारे घर की सारी परेशानियों को दूर कर दे। पूजा पाठ हम करते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं, लेकिन जब वास्तु का जिक्र होता है तो लोगों के मन में लगता है कि कोई तो एक ऐसा रास्ता मिले जिससे परेशानियां खत्म हो। तो अभी के समय में अगर हम वास्तु की बात करें तो बहुत ज़्यादा चलन में है ये। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है हम सब के लिए कि वास्तुशास्त्र असल में है क्या, और ख़ासकर मॉडर्न वास्तुशास्त्र क्या है ये। वास्तुशास्त्र का जो इतिहास है वो रामायण महाभारत काल से देखा गया है। कहा जाता है महाभारत में भी जो वो क्रिएट किया गया था ना, वो तालाब सा जिससे द्रौपदी ने छला था दुर्योधन को, वो भी वास्तु में ट्रिक किया गया था ताकि दुर्योधन उसमें फंस जाए। तो वास्तु को ख़राब करके भी आप किसी के जीवन को ख़राब कर सकते हैं, तो ऐसा भी देखा गया। इसलिए बहुत सारे देश आप देखिए, साउथ दिल्ली देखिए, साउथ मुंबई देखिए, साउथ चाइना देखिए, साउथ में है, सब समृद्ध हैं। इसका कारण तो समझ ही गए होंगे कि वास्तु काम करता है, कि दक्षिण दिशा में सभी चीज़ें समृद्ध होती जा रही हैं, वहीं पूरब को उतना आप समृद्ध नहीं है। यहाँ के लोग काफ़ी इमोशनल आप देखेंगे तो ईस्ट आपको जो है वो हमेशा इमोशनल करता है। मॉडर्न वास्तु की बात तब आती है जब सिर्फ मेजर 8 डायरेक्शंस के बजाय हम 32 डायरेक्शंस पे चले जाते हैं और हर एक जोन को करेक्ट करते हैं, साथ में कलर का, प्लांट्स का, फेंगशुई का भी ध्यान रखते हैं। तो वो सारे वास्तु, क्योंकि आज के डेट में लोगों के पास उतने बड़े बड़े लैंड या प्रॉपर्टी नहीं है, वो फ्लैट में रहते हैं, बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं, तो वहाँ भी तो उन्हें ध्यान रखना, घर तो है उनका लेकिन उस घर में उनका ध्यान नहीं है,
तो काम कैसे होगा। इसलिए मॉडर्न वास्तु इन सब चीज़ों पर, टेक्निकलिटीज़ पे काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक युग का वो बेस्ट रेमेडी है जिसे आप करके बहुत सारी चीज़ों को सिस्टमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल मेरे जहन में हैं, बहुत सारी बातें हैं। जब हम फ्लैट की बात करते हैं तो सही बात है, अभी हर कोई कहीं ना कहीं फ्लैट में सीमित हो गया और फ्लैट हमारे अनुसार होता नहीं है। ऐसे में क्या वो रेमेडीज हो सकती हैं जिसके जरिए हम अपने फ्लैट को अपने अनुसार बना सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं मेरे खुद के जहन में। तो ये आपसे जानना चाहूँगी कि क्या जब वास्तु का हम जिक्र करते हैं या अपने घर के वास्तु को ठीक कर देते हैं तो वाकई जो भी हेल्थ इश्यूज हैं या फिर जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं दूर होती चली जाती हैं, क्या वाकई ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप छोटा सा एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी तबीयत खराब है, सिर्फ आप एक स्नान करिए, स्नान करके आप थोड़ी देर के लिए कोई हल्का सा भोजन करिए, आपके मन को क्या हुआ, आपके बॉडी को क्या हुआ, हीलिंग होने शुरू होती है। बिल्कुल, घर भी आत्मा है, आपकी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपका आप जो उस घर में प्रवेश करते हैं तो आप उस घर की आत्मा हुए, तो आपके घर की क्लीनलीनेस, ब्यूटीफुलनेस, इंटीरियर्स, मेकओवर सब आपको जो है वो वेलनेस देता है। इसलिए आप होटल के कमरों में जाइए, देखिए कितना फर्क दिखेगा, क्यों वहाँ रहने की इच्छा हो रही है, क्योंकि उन्होंने उसको उस हिसाब से वास्तु से करेक्ट करा रखा है, अब बार बार वहाँ आना चाहते हैं। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि वास्तु वर्क्स इन ऑल कॉर्नर्स और आप इसे आराम से कर सकते हैं। इसके लिए छोटी छोटी चीज़ों का सिर्फ आपको ध्यान रखना है। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मैंने ज़्यादातर घरों में देखी है वो है गंदगी, बहुत सारे पुराने सामान का जमावड़ा। अब आप बताइए लक्ष्मी कैसे आपके पास आएगी, वो तो मॉर्निंग में रोज निकल रही हैं, उन्हें देखना है मैं किसके पास, पात्र कौन है जिसके पास जाऊं। आपके पास आई, आपने कचरे का ढेर लगा रखा है, गंदगी भर रखी है, शी हैज़ टू गो, वो दूसरे घर जाएंगी। इसलिए घर की क्लीनलीनेस, पुराने सामान का जमावड़ा सबसे पहले कम करिए, वास्तु का पहला जो रेमेडी है वो मैं देखती हूँ। आपके घर के ऑरा को क्लीन करिए, आपका घर जितना ऑरा वाइज क्लीन होगा उसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स होंगे, सुगंधित सुगंध होगी और म्यूजिक होगा, विवाद झगड़े नहीं होंगे, वास्तु आधा तो 30% उधर ही ठीक हो जाता है। इसके बाद हम कॉर्नर्स की तरफ जाते हैं। मेजर प्रॉब्लम जैसे होती है घरों में, किसी के घर में हेल्थ की परेशानी है, किसी में रिलेशनशिप की, किसी में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, किसी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट उसे यूज़ नहीं कर पा रहे, बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, पत्नी या पति कैरेक्टरलेस हो गए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर वेरी कॉमन, डिवोर्सेज आर वेरी कॉमन, दिस इज ऑल ड्यू टू वास्तु दोषा। उसे देखा जा सकता है, घर में घुसते ही वो कॉर्नर उनका डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से उस घर में वो परेशानी रहती है। आपसे ये भी जानना चाहूँगे कि जब हम कोई प्लॉट खरीदते हैं या उस पर ऑफिस या घर बनाने की सोचते हैं तो आप जब वहाँ विजिट करने जाती है तो सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आती है वो क्या आती है? सबसे पहले जैसे ही उस प्लॉट को देखती हूँ, सबसे पहले देखती हूँ उसके सामने क्या है, कोई मंदिर, अस्पताल या पुलिस स्टेशन या शमशान घाट तो नहीं, क्योंकि इन सब जगहों पे लोग रोने जाते हैं, अपनी परेशानियाँ बताने जाते हैं, तो उनकी एनर्जीज उस आसपास के प्लॉट्स पे घूमती हैं। मंदिर भी नहीं, क्योंकि मंदिर भी नहीं, तो कहा जाता मंदिर है में अच्छा हाँ मंदिर भी नहीं, क्योंकि मंदिर में हम अपनी प्रार्थनाएँ करने जाते हैं, हम भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो रिक्वेस्ट है मंदिर तो उसे सहन कर लेगा क्योंकि मंदिर में खुद गॉड है, बट उसके आसपास वो प्रार्थनाएं जो हैं वो कराना जो है वो घूम रही है। इसलिए मंदिर का बिल्कुल घर के सामने होना, अस्पताल का होना या किसी शमशान घाट के करीब, मैंने एक दो प्लॉट्स आपके एरिया में भी देखे हैं, भूतनाथ के पास हैं जो शमशान घाट ग्रेवयार्ड के जस्ट सटे हुए हैं, तो ग्रोथ डेफिनेटली वहाँ बंद हो जाती है जी। दूसरी चीज़ जो मैं देखती हूँ, क्योंकि ज़मीन पर घर नहीं है, अगर आकाश में है मतलब 4 फ्लोर पर हैं 8 फ्लोर पर हैं तो अर्थ एलिमेंट मिसिंग हो जाता है उनका, तो उनको अर्थ एलिमेंट के लिए स्पेशल वर्क करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास घर में अगर कोई चीज़ कम होगी तो पहले आप वही खरीद के लाएंगे, तो वो दूसरी चीज़ मैं नोटिस करती हूँ। तीसरी चीज़ ये नोटिस करती हूँ कि वो किस व्यक्ति ने बेचा है, क्योंकि अगर मालिक पहले से ही किसी गलत संगति का शिकार हो या उसके पास बहुत सारा लोन डेप्ट हो और इस वजह से घर बेच रहा हो, या उसके घर में किसी की मृत्यु हो गई हो तब घर बेच रहा हो, या वो मंदिर को प्रॉपर्टी दी गई है, ट्रस्ट को दी गई है, किसी ऑर्फनेज को दी गई और आपने वो खरीद ली, तो आप कभी भी फलित नहीं होंगे। ये मेजर चीजें जरूर देखनी चाहिए। चलिए, कुछ बारीकियां हैं जिसका यदि ध्यान रखा जाए, इन चीज़ों का ध्यान रख के यदि हम कोई प्लॉट खरीदते हैं या फिर अपना घर बनाने की सोचते हैं तो जाहिर तौर पे हमारा घर अच्छा होगा। तो यहाँ पे
एक बहुत ही अच्छे कुछ हमारे पास विजुअल्स हैं जो अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जब घर की बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें जैसे डाइनिंग एरिया हो गया, पूजा स्थान हो गया या फिर मुख्य द्वार हो गया, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो डाइनिंग टेबल है वो किस तरह से क्या होना चाहिए और वो हमारे वास्तु को कैसे दर्शाता है। मैं आपको ले आई हूँ अपने डाइनिंग टेबल की तरफ। डाइनिंग टेबल मतलब वो स्थान जहाँ पर एक परिवार साथ बैठकर भोजन करता है, और साथ बैठकर अगर आप भोजन करते हैं कम से कम दिन में एक बार भी, तो आपके घर का माहौल कैसा होता है? बहुत ही आनंदमय बनता है। डाइनिंग टेबल पर जो चीज़ बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए और वो है कटलरीज या फिर दवाइयाँ। मैंने कई घरों में देखा है कि वह ऐसी चीज़ें रख देते हैं अपने टेबल पर, जबकि यहाँ हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं जिससे हम सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और खूबसूरती भी बनी रहे। इस पर प्रतिदिन कम से कम एक बार आप ज़रूर भोजन करें ताकि परिवार का जो संबंध है वो अच्छा हो। आसपास हमने कुछ बर्तन लगाए सुंदरता बढ़ाने के लिए डाइनिंग टेबल की, जो भी मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में, ये देखिए इस तरह से हमने बर्तन सजा रखे हैं और इनका इस्तेमाल हमारे जब गेस्ट आते हैं उनके लिए हम करते हैं खूबसूरत दिखाने के लिए। और एक बात हमेशा ध्यान दें, डाइनिंग टेबल के आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि डाइनिंग टेबल जो है वो हमारा भोजन है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है वो राहु है, तो उससे खाने का भी स्वाद कम होता है और आपसी संबंध भी जो है वो बहुत अच्छे नहीं बन पाते हैं, इसलिए खाते वक्त उसका इस्तेमाल कम से कम ना करें। तो उम्मीद तो डाइनिंग टेबल से जुड़ी जो वास्तु है उसको आप समझ गए होंगे। आप किस दिशा में इसे रख सकते हैं, ये पश्चिम दिशा में भी हो सकती है क्योंकि उस दिशा का भी मैनिफेस्टेशन की पावर है उस दिशा में, जिसे हम कह सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन में। दोस्तों डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बैठकर खाना खाते हैं, यानी वो हमारे स्वास्थ्य की जगह है। रश्मि जी, डाइनिंग टेबल का जब जिक्र होता है तो एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि जो कहा जाता है, ऐसे बड़े बुजुर्ग भी हमेशा से बताते रहे हैं कि जब हम खाना खाते हैं उस दौरान बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्या नुकसान होते हैं? बिल्कुल, डाइनिंग टेबल का जैसे आपने मेरे ही घर का देखा है, ये हमने 3-4 बातों का ध्यान रखा है। वहाँ पर कोई मोबाइल कंप्यूटर टीवी नहीं है ताकि आपका ध्यान पूरी तरह से भोजन और उसके स्वाद पर हो। आपने जैसा कहा कि वहाँ बातचीत क्यों नहीं करते, बातचीत से मतलब है विवाद या कोई ऐसी चर्चा जो हमारे खाने के स्वाद को ख़राब कर दे, ऐसी चर्चाओं से बचना है। इसे आप अपनी पश्चिम की दिशा में लगाएं, दक्षिण पश्चिम भी बुरा नहीं है, वहाँ बनाएं। और दवाइयाँ बिल्कुल मत रखें टेबल पर। मैंने मैक्सिमम घरों में देखा है मेडिसिन या कटलरीज या वो कांटे छुरे वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें जो थोड़ा आपके साथ जीने लगती हैं, आपके भोजन का हिस्सा हो जाती हैं, उसे वहाँ पर अवॉइड करें। इसे क्लीन रखें और कोशिश करें यहीं खाना खाएं, अपने अपने बेडरूम्स में ना जाए, ताकि एक बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आप फॉलो करिए, देखिए अक्षय कुमार जी 7:30 बजे भोजन करते हैं पूरे परिवार के साथ। अंबानी के घर में तो फोन जमा हो जाता है, बल्कि वो उनके घर पे मना है, उनकी माता जी ने मना किया हुआ है। ये बहुत अच्छे रूल्स हैं, उनके कपड़ों से ज्यादा इन चीजों को फॉलो कीजिए, फर्क दिखेगा। सफलता का राज यही है कि आप जब खाना खा रहे हैं उस टाइम सिर्फ आप खाना खाएं, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर बहुत ही हंसी मजाक और बहुत ही अच्छे माहौल में खाना खाएं। अब हम बात करेंगे किचन की, क्योंकि हमने खाना खाया लेकिन वो खाना बना कहाँ है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे किचन का वास्तु क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं किचन की। किचन अन्नपूर्णा देवी का स्थान माना गया है वास्तु शास्त्र में, और कामधेनु माता गाय भी इससे जुड़ी हुई है, तो किचन में बनता है भोजन और आयुर्वेद भी वास्तु से जुड़ा हुआ है। तो भोजन आप कब करते हैं, कितना करते हैं और कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ी मान्यता है। किचन का स्वच्छ होना, इसकी साफ सफाई होना और अग्नि तत्व जो चूल्हा है आपका, इसका जल तत्व से दूर होना, इसलिए आप देख सकते हैं इसके आसपास कहीं भी कोई जल तत्व नहीं बनाया गया है। बने हुए खाने को ढककर सुंदरता से रखा गया है। किचन का रंग बहुत मैटर करता है, इसमें पीले रंग का इस्तेमाल, हरे रंग का इस्तेमाल आप करें, बहुत ही खूबसूरत कलर है, क्योंकि एक बुध का रंग है और दूसरा जो है वो बृहस्पति का रंग है, जो किचन में बनने वाले खाने का स्वाद भी बढ़ाता है और लोगों का, घरों में जितने भी लोग रहते हैं सबके स्वास्थ्य पर भी ये काम करता है। एक बात और ध्यान रखें, हमेशा जो पानी का स्थान है आपके किचन में उसे हमेशा ही अग्नि से अलग रखें। यहाँ तक कि जो फ्रिज लगे होते हैं, आप देख सकते हैं किचन में काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, पंखे हो गए, बहुत बड़ा फ्रिज लगा हुआ है, इस तरह के केटल्स होते हैं, ओवन होते हैं, इन्हें भी आप जो है वो ऐसे जगह पर स्थगित करें जिससे कि पानी से उनकी दूरी जो है वो बनी रहे।
तो जल से इसे दूर रखना और इनकी भी स्वच्छता का ध्यान रखना है। सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल सुंदरता भी किचन की बहुत मायने रखती है। और कोशिश करें प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें, क्योंकि वास्तु कहता है कि भोजन जो है वो हाथ का बना, माँ के हाथ का बना ही होना चाहिए। तो कैसा लगा आप बताएं इस बारे में? और तो ये हमने जाना कि हमारे किचन का वास्तु क्या होना चाहिए, और बहुत ही ज़रूरी है किचन के वास्तु को ठीक करना, क्योंकि वो सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। रश्मि जी, जब किचन की बात आ रही है तो कई जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं वो अक्सर कहा करते हैं कि भाई किचन में भजन ज़रूर बजाया करो, वो हमारे शरीर को एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, क्योंकि खाना जो है वो बन रहा है और सीधे हमारे शरीर में जा रहा है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। कितना ज़्यादा मायने रखता है। बिल्कुल सही, क्योंकि साउथ ईस्ट में होता है मैक्सिमम घरों में किचन बनाना भी चाहिए। आग्नेय कोण है, अग्नि का जोन है, और वहाँ पर रहती है कामधेनु। तो कामधेनु एक गाय है, अन्नपूर्णा माता और कामधेनु गाय। तो कहते हैं कि अगर भजन का माहौल हो तो कह सकते हैं कि आप उनकी पहले पूजा कर रहे हैं, उसके बाद भोजन बना रहे हैं, और माँ बना रही है तो उसमें विचार डाल रही हैं, अपने अपना व्यवहार डाल रही हैं, तो स्वाद बनेगा। किचन में सिर्फ 3-4 बातों का ध्यान रखें। जो भी हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, राहु केतु की दिशा है नैऋत्य, वहाँ रखें, और हमेशा पानी और अग्नि को दूर रखें। बस 2 बातों का ध्यान रखें। फ्रिज जो शमशान घाट है, क्योंकि बहुत सारा भोजन रहता है, उसको कोशिश करें प्रोसेस्ड फूड कम रखें, जो बने तुरंत खाएं, और फिर थोड़ा ही बनाएं उतना ही लोग खाएं, ताकि बचे ही नहीं घर में, या अगर बचे तो उसे गाय माता को आप खिला सकते हैं। ये सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी बातें बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि भाई हमें बासी खाना तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और अब हम जानेंगे पूजा स्थल के बारे में, क्योंकि पूजा स्थल एक ऐसी जगह जहाँ पे हम बैठकर भगवान से अपनी दिल की हर बात को बताते हैं, हर बात को कहते हैं, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो सारी बातें हम शेयर करते हैं। पूजा स्थान का जो वास्तु है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, आइए देखते हैं। घर की तरह हमारे घर भी पूजा स्थान का एक विशेष महत्व है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये पूजा स्थान जो है वो एक पूरी तरह से वुडन फ्रेम में तैयार किया गया है, जिसकी दीवार से करीबन 6 इंच की दूरी रखी गई है, और इसमें बहुत ही खूबसूरत नक्काशी और पॉलिशिंग की गई है, क्योंकि इससे हमारी पूजा करने का जो स्थान है वो खूबसूरत तो होता ही है, साथ साथ जब आप वहाँ पर चिंतन करने बैठते हैं तो आपका ध्यान भी बहुत अच्छी तरह लगता है। सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं को अलग अलग रखना, शंख घंटी और ऐसी सुंदर ध्वनियों का इस्तेमाल करना पूजा में विशेष करके माना गया है। इसकी डायरेक्शन या तो अपने घर में पूर्व रखें, अगर संभव है तो उत्तर पूर्व भी रख सकते हैं, मगर उत्तर या पूर्व की दिशा की तरफ ही पूजा स्थान हमेशा होना चाहिए। इसकी दीवार कभी भी बाथरूम से या किसी ऐसी दीवार से नहीं जुड़ी होनी चाहिए जहाँ कोई गंदगी हो, राइट। आप देख सकते हैं जो मूर्तियां लगाई गई हैं, एक ईश्वर की कई सारी मूर्तियां ना लगाएं। मंदिर में कोशिश करें कि एक ही मूर्ति एक भगवान की हो, मैक्स टू मैक्स 2 हो। अब जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं पूजा में वो अक्सर पीतल या तांबे के ही उचित माने गए हैं, क्योंकि स्टील के बर्तनों को वर्जित किया गया है। स्टील के बर्तन जो हैं वो मिक्स्ड धातु से बनते हैं, लेकिन अगर कोशिश करें कि अगर चांदी के देवी देवता या भगवान आपके पास हो या बर्तन हो, तो काफ़ी इसके प्रभाव पड़ते हैं हमारे घरों में। तोरण से इसकी सुंदरता बढ़ाई गई है, लाइट्स और घंटियां, क्योंकि सुगंधित पुष्प भी डालने चाहिए, तो हमने पंच तत्वों का इस्तेमाल मंदिर बनाने में किया है। दोस्तों, पूजा स्थल के वास्तु के बारे में आपने विस्तार से जाना, और रश्मि जी एक और बात जो मेरे मन में आ रही है कि ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं कि महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों की पूजा लगती है, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा पूरी तरह से सच नहीं है। पूजा स्थान जो है हमेशा एक बात ध्यान रखें, दोनों को करना है, पुरुष हो महिलाओं। पुरुष क्योंकि बहुत सारी माँ गॉडेस बहुत हैं हमारे हिंदू धर्म के, पता ही आपको बहुत सारी गॉडेस हैं, इसलिए सबका नाम पहले आता है। सीता राम के पहले बुलाई जाती हैं, पार्वती शिव के पहले बुलाई जाती है, यही बस इसका कारण है। पूजा के लिए 3-4 बातों का ध्यान रखें, जो मैंने मेजर घरों में नोटिस किया है, वहाँ कोई महंगी चीज़ छिपानी नहीं चाहिए। बहुत सारी महिलाएं पैसा छिपाती हैं, सो ये गलत चीज़ है, मत करें। पूजा स्थान में बेडरूम मत बनाएं, क्योंकि कोई भी सेक्सुअल चीज़ें कभी भी स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ मिक्स नहीं होती। तो भगवान, अगर ऐसा मजबूरी आपके घर में है तो बच्चों का कमरा आप कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा मजबूरी है कि नहीं आपको वो कमरा यूज़ करना है, तो आप कवर्ड बनाएं पूजा स्थान, और उसे पूजा के बाद बंद कर दें या शटर कर दें, डबल डोर करें, तो वो अच्छा काम करता है, लेकिन फिर भी दोष लगेगा। पूजा पर्दा भी लगा सकते, पर्दा भी लगा सकते, इसमें लगा हुआ है ये जो पूजा आपने देखा, इसमें लगा हुआ है। और पूजा जहाँ पे आप कर रहे हैं उसकी दीवार जो है वो टॉयलेट से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट और किचन दोनों ही अवॉइड करते हैं, बट ज़्यादा अवॉइड करते हैं टॉयलेट।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात रश्मि जी बताई कि टॉयलेट जो होता है वो कहीं ना कहीं उससे वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा आती है, तो ऐसे में भगवान की जो जगह है वो उसके साथ नहीं होना चाहिए। और अब हम बात करेंगे मुख्य द्वार की, कि मुख्य द्वार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हम सबके घर में, क्योंकि सीधे हम जब वहाँ से प्रवेश करते हैं उसके बाद ही हम किसी भी एरिया में जाते हैं। तो मुख्य द्वार का क्या होना चाहिए वास्तु, आइए देखते हैं। मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि हमारे जो घर का मुख्य द्वार होता है इसका एग्जैक्टली क्या पर्पस है, यूज है। आपको मैं बताऊंगी तो आप अचंभित हो जाएंगे कि आप इसके सपोर्ट से और इसके स्ट्रेंथ से ना अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि आप मेरे घर के अंदर आ रहे हैं तो मैंने कुछ बातें आपको बता दूँ यहाँ पर कि हर घर में चार डायरेक्शंस तो होती ही हैं। अब चार डायरेक्शन में हमारी जो नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन है उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है मुख्य द्वार के लिए। इसका कारण हम आगे की वीडियो में समझेंगे। आप देख सकते हैं मेरे घर के आसपास, दरवाजे के आसपास आपको कोई गंदगी, डस्टबिन या जूते चप्पल नहीं दिखेंगे। तो पहला रूल तो थंब रूल यही है, कीप क्लीन योर एंट्रेंस। प्लांट्स जो हैं वो हमारे घर के कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। और ये है हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में एक एक्वेरियम, जो पानी का तत्व भी है, यहाँ जल तत्व भी है, वो भी काम कर रहा है। सो एंट्रेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि, और आप देख रहे हैं इस जोन पर हमने एक स्वास्तिक का और ओम का जो ये म्यूरल भी ऐड किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत चीज़ें समझ आ गई होंगी एंड विल बी कंटिन्यूइंग लाइक दिस। थैंक यू। और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि जब आप अपने घर के अंदर आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जिस पर आपकी नज़र जाती है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे घर पर एक बहुत ही खूबसूरत जो है गौतम बुद्धा जो है वो विराजमान है। और जब हमारे घर कोई भी अंदर आता है तो शांति और मिठास तो उनके अंदर अपने आप ही आ जाती है। ये जो सोफा हमने लगाया लिविंग रूम में, ये भी हमने डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए, ये हमारा ईस्टर्न जोन है जो आप देख पा रहे हैं। इस ईस्टर्न जोन को हमने प्लांट्स और ब्यूटीफुल येलो सोफा से डेकोरेट किया है, क्योंकि यहाँ पर रखी हर चीज़ इसको इन्हांस कर रही है, जो हमारे अपॉर्चुनिटी जोन को या कह सकते हैं हमारे घर में एंटरटेनमेंट जोन को इफेक्टिव करता है। यहाँ हमारे झूलने वाले जो हैं छोटे से गणेशा हैं, और आप ये जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं क्रिस्टल्स की, ये सब क्रिस्टल्स में बहुत पावर होती है क्योंकि वो कांच के बने होते हैं। और साथ में हमारे पास एक प्यारा सा कछुआ भी है जो पानी में विराजमान है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे कि एंट्रेंस की कितनी वैल्यू होती है हमारे घर में, और जब वो आप उसे सुंदर रखते हैं, खूबसूरत रखते हैं, तो लोग आपसे अट्रैक्ट तो होते ही हैं, साथ में जब भी कहीं वो जाते हैं आपकी चर्चा जरूर करते हैं। तो लगभग सारी चीज़ों की हमने कोशिश की है कि आप तक जानकारी पहुंचा सके कि हमारा चाहे वो किचन हो या फिर एंट्रेंस हो, पूजा स्थल हो, डाइनिंग टेबल हो, ये सब का वास्तु क्या होना चाहिए, इसके बारे में पूरी हमारी कोशिश है कि बारीकी से आप समझें। रश्मि जी, हमने मुख्य द्वार का भी जाना कि क्या होना चाहिए, डोरमैट का इम्पोर्टेंस क्या है। डोरमैट जो है वो आपकी नेगेटिव एनर्जीज या जिस विचार से लोग अंदर आ रहे हैं उसको वहाँ कंट्रोल करता है, उसी से जुड़ा चौखट भी होता है। यही मकसद होता है, लोग कहते थे माइंड योर हेड, चौखट में अंदर आते हैं। अभी भी आप महलों में जाएंगे तो वहाँ चौखट बनी है, तो वहाँ पर जब आप डोरमेट लगा देते हैं तो जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है, आप खुद भी उन नेगेटिव एनर्जीज को वहीं ड्रॉप कीजिए, देन एंटर। उसके वैसे कलर होते हैं हर डायरेक्शन में, लेकिन मैं मेजरली यही बताती हूँ, सेफेस्ट कलर इज़ ब्राउन, यू कैन टेक ब्राउन कलर, और अगर दक्षिणावर्ती घर है तो ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। डोरमेट बेस्ट है, डोरमेट पर वेलकम या चित्र होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल डोरमेट्स लगाएं, उसकी रोज क्लीनिंग जरूर करें, क्योंकि एंट्रेंस में 45 गॉड्स हैं, 45 देवता तो वहीं जो हैं विराजमान हैं। तो पहले तो मुख्य द्वार आपका चेहरा है, जैसे आपके फेस को आप मेकअप करते हैं, तो आपने तो अपना मेकअप ही नहीं किया तो ये मैटर करता है कि आप जो मुख्य द्वार है उसका हमेशा क्लीन रखें। बाहर भी ज़रूरी है, ये नहीं कि आप घर के अंदर सफाई रखते, बाहर निकलते डस्टबिन, शू रैक्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके घर पे वेस्ट हैं आपने बाहर जमा दी, आपने अपना ही नहीं पूरे एरिया का वास्तु खराब कर दिया, तो वो एक फल में कीड़ा लग जाता है तो डलिया में वो खराब हो जाते हैं सारे, बिल्कुल वैसा होगा ये। रश्मि जी ने बताया कि यदि हम शूरेक की बात करते हैं और ख़ासकर डोरमैट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो वहीं पे जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में लेकर आ रहा है उसे वहीं पे रोक देता है। फ्लैट्स का हमने जिक्र शुरू में ही किया था रश्मि जी, क्योंकि अभी के समय में हम देख रहे हैं ज़्यादातर लोग फ्लैट्स में ही रह रहे हैं, या फिर जो घर भी खरीद रहे हैं बने बनाए, यदि घर में रह रहे हैं या फिर रेंट पर रह रहे हैं तो वो हमारे अनुसार तो होते नहीं हैं, तो फिर उसका वास्तु यदि कहीं कोई दोष, अगर आप नॉर्थ की एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे जो हैं वो बुध ग्रह हैं, तो ग्रीन इज़ वेरी गुड, ग्रीन की वॉल या ग्रीन का आप डेकोरेशन यूज़ करें, प्लांट्स वगैरह लगाएं।
और अगर आप आ जाएं और आगे बढ़ें तो आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में आपके बैठे हुए चंद्रमा, चंद्रमा भी चांदनी यानी सफ़ेद ऑफ वाइट कलर्स को फेवर करते हैं। उसके बाद है हमारे शनि महाराज, शनि महाराज को काला रंग पसंद है वैसे, लेकिन आप ब्राउन शेड्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जहाँ आपने डाइनिंग टेबल देखा था वहाँ पर एक्चुअली मेरा ब्लैक ड्रॉप है, मैंने कर्टिन यूज़ किया क्योंकि वो शनि की दिशा है। और उसके बाद आते हैं मंगल, तो मंगल राहु केतु कॉर्नर में है, फिर मंगल। राहु केतु का फेवरेट जो आपका पहना है आपने, ये कलर फेवरेट है, वुडन कलर्स फेवरेट है, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स है सब राहु केतु, आप उस दिशा में रखिए, घर का वाईफाई वहाँ लगाइए, कभी ख़राब नहीं होगा। वहाँ पे आप जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करते हैं किचन में, इवन आप किचन में फ्रिज है ना, उधर आप लगा दो, सिर्फ आपका फ्रिज कभी ख़राब नहीं होगा। कुछ शॉर्ट में बताएं डूज एंड डोंट होने चाहिए क्योंकि समय की पाबंदी। हाँ जी जी, कोई दिक्कत नहीं है। डूज में सबसे पहले टेक केयर ऑफ योर एंट्रेंस, एंट्रेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास दो डोर्स हैं, जैसे मेन गेट होता है और फिर आपका घर होता है, तो आपके लिए ज़्यादा मैटर अपना एंट्रेंस करता है, मेन डोर को आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो बिल्डिंग का होता है, तो आप उसका ध्यान रखें, उसकी सफाई रखें, दरवाजे में चरचर की आवाज़, कटने फटने वो सब अवॉइड करें। घर पे इलेक्ट्रॉनिक्स अवॉइड करें, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, बचे हुए पुराने मोबाइल के चार्जर्स एंड ऑल, वो राहु केतु को जमाते हैं। अंधकार कभी ना रखें, शनि खराब होता है, इसलिए हमेशा घर के दरवाजे एक बार सवेरे सुबह खिड़की दरवाजे खोल दें, हवा प्रवेश कर जाएगी, थोड़ा सा डस्ट आएगा बट इतना तो टॉलरेट कर सकते हैं, उसको प्रवेश करा लें ताकि घर की जो एनर्जीज हैं वो क्लीन अप होती रहें। बिल्कुल, हर शनिवार अपने घर में जो चीज़ें जड़ हैं यानी उसे आप कभी नहीं उठाते, एक बार उठा के उसकी सफाई कर दें ताकि वो हिल जाए, और इस तरह से भी वास्तु जो है वो अपना काम, वास्तु पुरुष अपना काम शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, हमने पूरी कोशिश की है कि वास्तु से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो हम आप तक पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा है दूरदर्शन का परिवार, और मेरे को बहुत सौभाग्य मिला कि दोबारा मैं आ सकी, और पूरे यूनिट को मेरी तरफ से दिल से थैंक यू। पर्सनली तो जुड़ ही सकते हैं, मेरा ऑफिस पटना में मकनियाकुआ में, बिल्कुल आ सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ हमारा आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। यदि हमारे कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सुझाव आपके पास है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमारा ईमेल आईडी है director@gmail.com। और इसी के साथ खुला आकाश की पूरी टीम को दे इजाजत, नमस्कार।